नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मीडिया। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती के बीच 14 जून से पहले भी काफी बार झगड़े हुए थे, जिस बात को लेकर सीबीआई की टीम ने छानबीन की तो सीबीआई को कुछ ऐसे पुख्ते सबूत मिले हैं, कुछ ऐसे सीसीटीवी फोटोज मिले हैं जिसके आधार पर बताया जा रहा था कि रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत को काफी हरेस करती थी और जिस वजह से सुशांत सिंह राजपूत को 14 जून को खत्म किया गया था। आखिर इस मामले को लेकर सीबीआई ने जिस तरह से कोर्ट में पेश किया है ये बड़ा सबूत, इस मामले को लेकर अब रिया चक्रवर्ती पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है और उन्हें पूछताछ के लिए भी बुलाया जा सका है। तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत के बीच जो भी कुछ झगड़े हुए थे, सुशांत सिंह राजपूत के घर में लगे सीसीटीवी फोटोज में वो सारा कुछ कैद हो गया था, जिस बात को लेकर सीबीआई की टीम ने छानबीन की और वो सारा सीसीटीवी वीडियो सामने लाया और इसके मदद से ही अब रिया चक्रवर्ती को बड़ी सजा मिल सकती है। दरअसल इस केस में बड़े बड़े बॉलीवुड एक्टर्स का भी हाथ हो सकता है और माना जाता है कि बहुत सारे ऐसे सीसीटीवी फोटोज हैं जिसको डिलीट भी किया गया था, लेकिन झगड़े वाले ये सीसीटीवी वीडियो जो कि अब सीबीआई के हाथ लग चुकी है और सीबीआई का मानना है कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ रिया चक्रवर्ती बहुत ही बुरा करती थी और सुशांत सिंह राजपूत को काफी टॉर्चर करती थी, जिस वजह से सुशांत सिंह राजपूत काफी डिप्रेस हुए थे और इसी का फायदा उठाते हुए रिया चक्रवर्ती और उसके गैंगबाजों ने सुशांत सिंह राजपूत को खत्म किया था। लेकिन सीबीआई के हाथ जैसे ये सबूत लगा है, अब सीबीआई का मानना है कि उन सभी लोगों से पूछताछ हो सकती है और रिया चक्रवर्ती को फिर से जेल का हवा खाना पड़ सकता है। तो दोस्तों, जैसे इसके बारे में कोई अपडेट आती है, कोई बड़ी न्यूज आती है, मैं आपको सबसे पहले अपने चैनल पे जरूर बताऊंगा। धन्यवाद।